सेक्शन नंबर 56, राइट्स इन ट्रीज। सेक्शन 56 कह रहा है कि जितने ट्रीज किसी भी होल्डिंग पे थे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स या फिर ऑफ दिस कोड, दे शैल बी डीम्ड टू द पर्सन बिलोंग टू पर्सन हु होल्ड सच होल्डिंग और अ ग्रोव। अगर किसी व्यक्ति के होल्डिंग पे कोई ट्रीज लगे हुए हैं, ग्रोव पे ट्रीज लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली चीज है उसी व्यक्ति के बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर जो ट्रीज हैं वो बाउंड्री पे लगे हुए हैं होल्डिंग्स के, तो ये जॉइंटली उन व्यक्तियों को बिलोंग करेंगे जिनकी होल्डिंग्स पे ये हैं। ये क्लॉज टू कहता है, ऑल ट्रीज एग्जिस्टिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ एनी होल्डिंग शैल बी डीम्ड टू बिलोंग जॉइंटली टू द पर्सन हु होल्ड द होल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ सच बाउंड्री। तीसरा क्लॉज कह रहा है, ऑल ट्रीज इन आबादी और एनी अनऑक्यूपाइड लैंड बिलोंगिंग टू बी हेल्ड बाय एनी पर्सन इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट इन कोड ऑफ दिस कोड शैल कंटिन्यू टू बिलोंग टू सच पर्सन एंड बी हेल्ड सब्जेक्ट टू एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स टू एनी रूल्स मेड अंडर दिस कोड। क्लॉज नंबर थ्री कह रहा है कि जितने भी पेड़ हैं या जितनी भी अनऑक्यूपाइड लैंड है जो किसी व्यक्ति को बिलोंग करती है इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, वो एज इट इज रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस कोड। क्लॉज नंबर फोर कह रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 57, ऑल ट्रीज, ब्रश वुड, जंगल और अदर नेचुरल प्रोडक्ट वेर एवर ग्रोइंग और प्लांटेड अदर देन ट्रीज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1-3 शैल विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड बी डीम्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्लॉज नंबर फोर कह रहा है कि सेक्शन 57 के प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए सारे पेड़, जंगल, ब्रशवुड, नेचुरल प्रोडक्ट जो चाहे ग्रो कर रहे हो, चाहे प्लांट किया गया हो, या बाकी सारे ट्रीज जिनको रेफर किया गया है क्लॉज नंबर 1-3 में, वो इस कोड के कमेंसमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? स्टेट गवर्नमेंट की। सेक्शन नंबर 57 फ्रूट बेयरिंग ट्रीज की बात करता है, तो बाकी ट्रीज तो 56 में कवर हो गए, अब ये फ्रूट बेयरिंग ट्रीज कहाँ जाएंगे? तो वेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड एनी फ्रूट बेयरिंग ट्री वॉज प्लांटेड बाय एनी पर्सन ऑन आइदर साइड ऑफ अ पब्लिक रोड और पाथ और कनाल विद परमिशन इन राइटिंग ऑफ एनी रेवेन्यू ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार और एन असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और एन असिस्टेंट इंजीनियर देन नॉट विदस्टैंडिंग सच लैंड वेस्ट्स इन द स्टेट गवर्नमेंट सच पर्सन एंड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ सच ट्रीज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी चार्जेस व्हाट्सोएवर। इस एक्ट के, इस कोड के कमेंसमेंट के पहले अगर कोई भी फ्रूट बियरिंग ट्री प्लांट किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा, चाहे पब्लिक रोड पे या मतलब पब्लिक रोड के साइड पे या किसी पार्क पे या कनाल के आसपास, एक ऐसे व्यक्ति की परमिशन से जो कि स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो, चाहे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का हो, चाहे फॉरेस्ट ऑफिसर हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तो इसमें लिखा है, एज द केस मे बी देन नॉट विदस्टैंडिंग दैट सच लैंड वेस्ट्स इन द स्टेट गवर्नमेंट, फिर उससे मतलब नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है कि नहीं, क्योंकि हमने अभी 56 में पढ़ा कि लैंड तो स्टेट गवर्नमेंट की ही है जितनी पब्लिक रोड के आजू बाजू लैंड है, पर उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसके फ्रूट्स ले सकते हैं। यू कैन वेरी ओके क्या बोलूंगी, यू कैन टेक द फ्रूट्स ऑफ दैट ट्री एंड ऑल्सो योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन ऑल्सो एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ सच ट्रीज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी चार्जेस। क्लॉज नंबर टू कहता है, एनी पर्सन डिजायरिंग टू प्लांट अ फ्रूट बेयरिंग ट्री आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, तो क्लॉज वन तो कमेंसमेंट ऑफ द कोड के पहले की बात कर रहा है कि ये कोड नहीं आया था, यानी 2006 का ये जो यूपी रेवेन्यू कोड है इससे पहले की बात। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो एक फ्रूट बेयरिंग ट्री को प्लांट करे इस कोड के आने के बाद ऑन आइदर साइड ऑफ द पब्लिक रोड और पाथ और कनाल, सो ही कैन डू सो बट विद द परमिशन ऑफ द कलेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू द ट्री प्लांटेड, वही कि आप फ्रूट्स ले सकते हो विदाउट एनी चार्ज। तीसरा क्लॉज कहता है, द राइट कन्फर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेरिटेबल बट द पर्सन प्लांटिंग द फ्रूट बेयरिंग ट्री और हिज हेयर्स शैल है
हैव नो राइट ऑन द कॉर्पस ऑफ सच ट्री और ऑन द लैंड ऑन विच इट स्टैंड्स। क्लॉज थ्री कह रहा है कि भाई पेड़ लगाने हैं, लगाओ, परमिशन लो स्टेट गवर्नमेंट की, लगाओ परमिशन लो कलेक्टर की, लगाओ, आप उसके फ्रूट्स भी खाओ, लेकिन केवल और केवल पेड़ लगाने से वो हेरिडिटरी नहीं हो जा रहा है, वो किसी भी प्रकार से हेरिटेबल नहीं हो पा रहा है, हेरिडिटरी नहीं, हेरिटेबल नहीं हो पाएगा, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि फिर वो जमीन आपकी हो गई, नहीं, ना पेड़ आपका ना जमीन आपका, केवल उसके फल आप खा सकते हो। सेक्शन नंबर 58 कह रहा है डिस्प्यूट्स टू बी डिसाइडेड बाय द कलेक्टर। अब जहां भी सेक्शन 54, 56, 57 के लिए कोई भी डिस्प्यूट आती है तो उस डिस्प्यूट को कलेक्टर डिसाइड करेगा। एंड एनी पर्सन अग्रीव बाय एनी ऑर्डर पास अंडर सबसेक्शन 1 में फाइल एन अपील बिफोर द कमिश्नर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और कोई भी व्यक्ति जो कलेक्टर के ऑर्डर से अपील फाइल करना चाह रहा है, ओके नहीं है कलेक्टर के ऑर्डर को लेके, एंड ही वॉन्ट्स टू फाइल एन अपील, देन ही विल हैव टू फाइल द अपील बिफोर कमिश्नर। एंड यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, 30 डेज की टाइम लिमिट मिलती है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 गाइज फॉर यूपी रेवेन्यू कोड। आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड इफ यस देन ऑब्वियसली यू कैन लाइक द वीडियो ऑल्सो। Before leaving guys, let me tell you that I am also available on an academy. So on an academy, you can follow me by my name, Asha Tiwari. You just have to download the app from the App Store or Play Store. You can search me by my name, and right now there are offer going on, and the main offer is 20% and up to free 6 months extensions from 22nd to 28th of February, that is still tomorrow. Target Judiciary 2023 and Target Judiciary 2024. So you can subscribe using my code ASHALIVE, ASHALIVE, that's the code. Apart from that guys, free All India Judiciary Scholarship Test is going to be conducted on 5th of March at 12 PM. So if by any chance you people have not enrolled, then get yourselves enrolled as soon as possible, because the rankers get a chance to win up to 100% scholarships. We are launching the revision batch for Uttar Pradesh mains exam. Duration is for 3 months and the price is 22,959. So you get detailed explanations of the topics, the doubt clearing sessions, live and recorded sessions are available, and class PDFs are available after the sessions. You can use my code ASHALIVE for the offer price. We are launching the linking batch for RJs and GJs. Duration is 6 months. Price is ₹36,736. You get detailed explanations of the topics, doubt clearing sessions, class PDFs are available after the session, and live and recorded sessions are available. The starting date is 18th of February. That is, it has started. And the code is ASHALIVE for the offer price. We are also launching Safalta 4.0, the comprehensive batch. Duration is 12 months and price is 50,511. You get detailed explanations of the topics, you get doubt clearing sessions, you get live and recorded sessions available, and class PDFs are also available after the sessions. Seetal ma'am, Anil sir, Fazan sir and Sonu sir are going to take your classes. You can use my code ASHALIVE for the offer price. And Chhattisgarh Judiciary Prelims Mock Test Series, as you people are aware, is already on an academy. Mains Test Series for Punjab Judiciary 2023 is here. You can use my code ASHALIVE for the offer price, and you get the offer price at rupees 4,999 only. Now what do you get? You get 3 full length tests for the mains examination and analysis sessions by the top educators, and each mock is going to have Civil Law 1, Civil Law 2, Criminal Law, English and Punjabi. Mock Test 1 was on 15th to 19th Feb, Mock Test 2 was 23rd to 27th of Feb, that is today is the last date for the Mock Test 2, and Mock Test 3 is from 5th to 7th March 23. Mains Test Series for UP Judiciary 2023 is also here. You get 3 full length test for the mains exam, analysis sessions by the top educators. Each mock is going to have GK, English, Hindi, Law 1, Law 2 and Law 3. You can use my code ASHALIVE for the offer price, ₹2,999, but only valid for 100 subscribers only, first 100 subscribers only. Test schedule is 5th to 7th March, 12th to 14th March and 19th to 21st of March. So guys, you can refer friends and win exciting prizes with an academy, and you can also join our channels, Judiciary Preparation with an Academy, Judiciary World, an Academy Judiciary and an Academy Judiciary PCSJ. If you want to join me on my Telegram group, you have the link in the description box. See you there. So that's all for today. Chapter number 7, we have done it all. We'll start with chapter number 8 soon. So stay tuned with me guys. Till then, keep on laughing, loving, living and also studying. Take care. Bye-bye. Good night. Sweet dreams.